मोदी ने इस देश को बेचने की सुपारी ली है, बिल्कुल बर्बाद करने की सुपारी ली है। जब नदियों में लाश बह रही थी जब तो मोदी जी ने निकाह, ओह माय गॉड। देश तो वैसे बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान बता किसका है, एक रुको, किसका है? मीडिया का है, चौथा स्तंभ मीडिया का, अंजनाम गोश्यप। आप ये कोई नाम बताओ पांच पत्रकार जो देश को बर्बाद कर रहा है। सुधीर चौधरी सबसे पहला नाम है, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी ये नंबर वन है जो सिर्फ धर्म के आधार पे। एक पत्रकार को तो आपकी सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई, अमन चोपड़ा को। अमन चोपड़ा को सरकार किसकी है? बीजेपी की। गिरफ्तार किसको करना चाहिए? बीजेपी को। पता है वो नहीं करेगी क्योंकि उनका आदमी है वो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। WHO की रिपोर्ट आई है कि 47 लाख लोगों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई थी। सरकार ने फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है, कहा है कि हम WHO की रिपोर्ट को खारिज करते हैं। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इंडियन कांग्रेस के युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट कॉल किया। उनका कहना है कि सरकार ने आखिर क्यों छुपाई मौतों का जिम्मेदार था। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए तो आपको क्या लगता है सरकार क्यों आंकड़ा छुपाई? आप यहाँ बैठे हुए यहाँ बात नहीं करेंगे? आप कांग्रेस में है क्या? कांग्रेस में पैसा वैसा दे के तो नहीं बुलाया आप? पैसा वैसा दे के तो धरना में नहीं बुलाया? नहीं, मर्जी से आए। आप नेता नहीं। देखिए ये हालत है कांग्रेस की भाई साहब, कार्यकर्ता नहीं है इनके पास। है क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? तो कैसे आए? पैसा वैसा दे के बुलाए? कार्यकर्ता है। क्यों लगता सरकार पर भरोसा नहीं है? भारत सरकार तो कह रही है सरकार को बदनाम कर मनमोहन सिंह तो क्या आप लोग सरकार पर भरोसा नहीं है? विदेशी लॉकडाउन लगना चाहिए भारत में, तब तो सरकार को बड़ा विश्वास है WHO पे। अब जब वो असली बात सामने ला रही है, WHO को क्या फर्क पड़ेगी? जब कांग्रेस क्या बोल रही है, बीजेपी क्या कह रही है? जनता से छुपाने का काम कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा सरकार, आप लोग अगर सरकार भी गलत करेंगे, लोकतंत्र दानशाही सरकार नहीं है। राइट टू सिटी, हमें संविधान से हमें राइट मिला है। जो चीज गलत जनता को नजर आएगी, जनता रोड पे उतरेगी। इतनी गर्मियों में हम भी तो एसी में बैठ सकते हैं, हम सड़कों पे खड़े होंगे जनता के भले के लिए। चलिए इनके नेता से बात करें। मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था, आप लोगों से बात करना हमें थोड़ा
ये कोई कार्यकर्ताओं की संख्या से दिखाने के लिए कोई जनसलाब उमाड़ने के लिए अपनी मदद को आवाज उठाने के लिए भारतीय कांग्रेस आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी लोगों की आवाज में आवाज मिलाने का काम इस तरह से WHO की रिपोर्ट आने के बाद इसमें सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से देश में इस महामारी को छुपाने का काम आज WHO की रिपोर्ट स्पष्ट हो गया है कि एक तिहाई लोग पूरे विश्व में भारत के अंदर अपनी जान गंवाई है जहां 1.5 करोड़ लोग पूरे विश्व में लगभग 47 लाख से 50 लाख के करीब आज हिंदुस्तान में लोगों ने अपनी जानें गंवाई तो ये बात संवेदना की है ये बात है उन लोगों की मदद करने की जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है क्या चाहते हैं आप लोग हम लोग ये चाहते हैं कि आज देश जहाँ एक और बेरोजगारी और महंगाई की मार को झेल रहा है बहुत से परिवारों में जो आजीविका चलाने का केवल एकमात्र व्यक्ति थे उन्होंने भी अपने परिवार के सदस्य को खोया है लोग परेशान हैं तो कम से कम उनकी आजीविका चल सके उनकी जीवन दोबारा पटरी पे आ सके तो लगभग 4 लाख रुपए एकमुश्त पीड़ित परिवारों को देना चाहिए 4 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 47 लाख लोगों की मौत हुई है बताइए इधर आइए सर इधर आइए ना आइए ना आइए ना कुछ सवाल के जवाब तो दे दीजिए इससे सरकार तो कह रही कि हम WHO की रिपोर्ट नहीं मानते हैं फर्जी रिपोर्ट है देश को बदनाम करने की साजिश है और कांग्रेस शामिल है इसमें शंभू भाई आप मन मानिए WHO की रिपोर्ट को नहीं मानते पूरा विश्व तो मानता है और इस देश के लोगों ने शमशान घाट के बाहर लगी वो लंबी कतारें देखी हैं इस देश की जनता ने गंगा में तैरती लाशें देखी हैं तो इस देश को तो अंदाज़ा है कि हमने 50 लाख के करीब अपने परिवार के सदस्यों को इस देश के लोगों को खोया है सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए आगे आके पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए हमने देखा है कि किस तरह से शमशान घाट में अगर किसी की मौत होती थी और उसके परिवार अगर अंतिम संस्कार करना चाहता था तो दो दो तीन तीन दिन तक उनकी लाशें इस इंतजार में रहती थी कि शमशान घाट में कब खाली होगी जगह कब उनके परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार हो पाएगा तो इस सरकार की संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं इस सरकार को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने की ये राजनीति का समय नहीं है जब देश महामारी से पीड़ित होता है इस देश के अंदर इस तरह की महामारी और त्रासदी आती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के नागरिकों के प्रति राजनीति से ऊपर हटके उनकी मदद करें अगर परिवार में आजीविका चलाने वाला एक व्यक्ति था उन्होंने एक व्यक्ति को खो दिया किसी के बूढ़े माँ बाप थे आज उनका सहारा नहीं तो इस देश के हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधियों को अपने परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं खोया तो वो लोग 47 लाख मौत को छुपा लेना आसान है क्या किसी सरकार हम कह रहे हैं ना नहीं छुपी शंभू जी जानते होंगे शंभू जी ने खुद देखा होगा कि किस तरह से शमशान घाट के दौरान कोरोना महामारी के दौरान लंबी कतारें थी इस देश की जनता ने देखे चिताओं को एक साथ देखा है जलते हुए वो पब्लिक तक कैसे खबर पहुंचाएंगे आपके पास खबर पहुंचाने का तो कोई माध्यम है नहीं इस देश की जनता इस चीज़ की खबर से देश की हर जनता वाकिफ है इस देश की जनता में रोष है उन्होंने अपने आसपास मौतें नहीं देखी हैं उन लोगों ने देखी है कि कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से मौत का तांडव इस देश में हुआ बिना टीवी अखबार के कैसे मैसेज कन्वे करेंगे देखिए इस मौतों का मैसेज को टीवी और इसके प्रचार के माध्यम की आवश्यकता नहीं देश की जनता ने देखा है अपनी आंखों हर व्यक्ति ने अपने किसी न किसी सर्कल में किसी न किसी संपर्क के व्यक्ति में से किसी न किसी एक साथी को खोया है इस देश के अखबारों में आप जैसे साथियों के चैनलों के माध्यम से देखा है कि किस तरह से गंगा में लाशें तैर रही हैं किस तरीके से लाशें एक पिक्चर आई थी सैटेलाइट से जिसमें इतनी लाशें जल रही थी कि रोशनी अंधेरे में दिखाई दे रही थी तो इस सरकार को संवेदनाएँ रखनी चाहिए संवेदनाओं का शून्य होना कहीं ना कहीं घातक सोचिए विपक्ष कितना कमजोर है कि 47 लाख मौत होती है WHO की रिपोर्ट है और कांग्रेस इस मैसेज को जनता तक पहुंचा नहीं पा रही है मीडिया मैनेजमेंट भी उसके पास नहीं है धरना के नाम पर उनके पास मुट्ठी भर लोग हैं जबकि सोचिए 47 लाख लोग मौत की बात न्यूयॉर्क टाइम्स में उसी समय जब कोरोना लहर 2 चल रहा था हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि 50 लाख लोगों की मौत हुई है लेकिन ये वो लोग हैं जो श्रीनिवास को आप जानते हैं लॉकडाउन 2 के में सबसे हीरो बनकर उभरे थे घर घर सिलेंडर पहुँचाया था मेरे एक साथी पत्रकार को भी उन्होंने बचाया था नवीन को और एक उम्मीद की किरण थे कम से कम दिल्ली NCR में कोई भी दुनिया भर में देश भर में लोग श्रीनिवास को टैग करते थे कि हमें सिलेंडर पहुंचाओ आज श्रीनिवास है नहीं यहाँ नहीं तो उनसे बात भी करते क्या आप लोग 47 लाख मौत हो चुकी है WHO कह रही है लेकिन आप लोग देश को बता नहीं पा रहे सर क्यों नहीं बता पा रहे
बताओ इस देश की मीडिया छुपा रही है। हम तो रोड़ों पे हैं, हम हर सोशल मीडिया में मैसेज है। मैं इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन हुआ था तो WHO का रेफरेंस देके ही पूरे देश को बताते थे कि साबुन से हाथ धोना चाहिए। WHO कहता था मास्क है तो मास्क पहनना चाहिए। WHO कहता था कि इतना लॉकडाउन लगा देना चाहिए। WHO वैक्सीन अप्रूव करता था तो वैक्सीन लगा लेनी चाहिए थी। लेकिन आज वही WHO जब सरकार पे उंगली उठाता है तो सरकार कहती है कि WHO गलत है। ये कौन सी राजनीति? आप लोगों पर मिली भगत का आरोप है। राहुल गांधी का भी क्लिप वायरल हुआ, आप लोग विदेशी ताकतों से हाथ मिलाए हुए हैं। सर ये BJP की चाल है, गलत गलत आरोप व्हाट्सएप में गलत झूठे मैसेजेस का प्रचार करते हैं। वो आज सरकार में है, ताकत है, पैसा है उनके पास, मीडिया चैनल्स हैं उनके पास, अदानी अंबानी का उनके पास साथ है, तो आज वो कुछ भी भरम फैला सकते हैं। लेकिन नेता कहाँ सर को पर आते हैं? राहुल गांधी हो या श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अलावा तो कोई सड़क पर उतर नहीं रहा। राहुल जी हमेशा सड़कों पे ही होते हैं और राहुल गांधी जी ही एकमात्र नेता है पूरे देश में जो आंखों से आंखें मिलाकर इस देश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और विपक्ष से सवाल पूछते हैं। आपको अपना फेलियर नहीं लगता है? 47 लाख लोगों की मौत हो और वो सरकार मैनेज कर ले जाए और विपक्ष बैठा हुआ है चुपचाप जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सर ये हमारा नहीं, ये इस देश की मीडिया का फेलियर है। हम आवाज़ उठा रहे हैं और देश की जनता इस बात को जानती है। आने वाले दिनों में आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। और रही बात आवाज़ उठाने की, तो यूथ कांग्रेस हर मुद्दे पे, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे कोरोना का हो, या देश में राफेल जैसे स्कैम का हो, लेकिन हमेशा सड़कों पे उतरती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लो। टीवी अखबार वाला क्यों नहीं दिखाता है? यही तो सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं और यही सवाल आपको मीडिया से पूछने चाहिए बड़े बड़े कि क्यों उन चीज़ों को देश के सामने दिखाया नहीं जाता है। क्या आप इतनी गर्मी में आप लोग काहे परेशान हो रही है? परेशानी जाना तो कुछ है नहीं। क्यों नहीं होगा, हम प्रदर्शन करेंगे, होगा। सरकार को कभी तो सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सुनेंगे। अरे हिंदुओं की सरकार चल रही है, आप झूठ मूठ के आप लोग विदेशी ताकतों के साथ बदनाम कर रहे हैं। हिंदुओं की सरकार तो उनके लिए है ना, जो सरकार पक्ष में बैठी है। हम तो हमारी सरकार, हम हिंदुओं की सरकार नहीं मानते, हम पूरे देश को एक मानते। आप लोगों तो कह रहा है, क्या नाम है आपका? प्रियंका चंदेलिया। तो ये तो कह रही है सर, BJP वाले कहते हैं कि चंद मुट्ठी भर मुसलमान दलित ये सब आके बैठ जाते हैं और दम है नहीं आप। मतलब दलित और मुसलमान ही आके बैठते हैं, बाकी और कोई नहीं है। बस सारे हिंदू BJP में हैं और किसी पार्टी में कोई हिंदू ही नहीं है। लगता है कोई और है हिंदू BJP के अलावा कहीं? हम सब मुसलमान हैं क्या यहाँ पे, बताइए? हिंदू हैं हम, हिंदू हैं। आपकी हिंदू की परिभाषा बताइए, हिंदू की हिंदू होने की परिभाषा क्या? RSS BJP का समर्थक है वही हिंदू है। अगर मोदी जी सनातन धर्म की परिभाषा बता दे, हिंदुत्व की परिभाषा बता दे तो मैं कह दूंगी कि हाँ ये विवाद। क्या नाम है आपका? प्रीति चंदे। अगर मुसलमान होना गुना है तो आपने अपने अपने जमाइयों को, अपनी बेटी के हस्बैंडों को BJP के नेताओं ने क्यों जमाई बना रखा है? कौन सा जमाई है? क्यों? मोहन भागवत के भतीजे की शादी किससे हुई है? अभी रिसेंटली की बात है, बताइए किससे हुई है? किससे हुई है? मोमडन है। आप लोग क्या पता कर रहे हैं? क्या नाम है इसका? उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर क्या रिश्तेदार है उनके, भागवत जी के? हमें नहीं मालूम, आप ये पता करिए। लेकिन उनकी शादी मोमडन से हुई है, ये पूरा वायरल था, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब, आप लोग धरना, यूथ कांग्रेस तो धरना प्रदर्शन करता है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है मैडम? असर कभी तो होगा, मैं आपसे कह रही हूँ, आज नहीं होगा कल होगा। होगा क्या है सनातन की परिभाषा, बताइए जरा। ये तो आप, हमने कभी सनातन धर्म के ऊपर और हिंदुत्व धर्म के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई मुद्दा नहीं रखा है। ये तो BJP की सरकार है जो सिर्फ इसी मुद्दे को और जो ये हिंदू है, जो हिंदू अपने आप को हिंदू मानते हैं और जो वास्तव में हिंदू होते भी नहीं है, जिनको हिंदू का मतलब ही नहीं पता, वही लोग आपस। मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है, 47 लाख लोग आप लोग मरने के देख रहे हैं, कितना बढ़िया गंगा में सबका उन्होंने बहा दिया, लाशें बहा दी सबको अंतिम संस्कार। मेरा मानना ये है कि कोई भी सत्ता, कोई भी हिंदुत्व या कोई भी जो जाति होती है ना, वो पूर्ण रूप से ना स्थिर नहीं होती है। सबका ना डगमगा जाता है, एक वक्त आता है। तो ये तो चंद दिनों का खेल है, जो अपने आप को वो हिंदू साबित कर रहे हैं। हम भी हिंदू है पर हम लोग इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करते हैं कि हाँ हम हिंदू है, हम हिंदू राज्य में रहते हैं। तो इसका मतलब कोविड में रख के सिर्फ मुसलमानों की, ये हिंदू की नहीं है जो वो ये मानने से, जो ये जो वो मानने, कहाँ कोई नाराज है प्रधानमंत्री? 47 लाख मौत होती तो जनता सड़कों पर होती। कभी तो WHO अच्छा हो जाता है हमारी सरकार के लिए, कभी WHO बुरा हो जाता है, ये क्या चक्कर है? देखिए यूथ कांग्रेस वालों को ना थोड़ा RSS वालों से, BJP वालों से सीखना पड़ेगा। बहुत एग्रेसिव नहीं है आप लोग, है
देखिए अग्रेसिव होना ही कुछ नहीं है, आप मुद्दों की बात कीजिए, ये देश की जनता सब समझती है। शोर मचाने से, गलत गलत मुद्दों को हवा देने से कोई मुद्दा नहीं बन जाता। देश समझदार है, देश के लोग समझदार हैं। आपका विधायक गिरफ्तार हो जाता है, दिल्ली आसाम की पुलिस उठा के ले जाती है, और देखिए वो लोग बग्गा को कैसे बचा लेते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि बग्गा जी के लिए तो हाईकोर्ट भी रात को सुनवाई करता है, लेकिन कांग्रेस का एक विधायक गुजरात से उठा लिया जाता है और असम ले दिया जाता है। आप लोग की फेलियर है ना, आपकी लीडरशिप की फेलियर है। जुडिशरी कोई हमारे हाथ में नहीं है, जुडिशियर का काम है इस देश में एक लीगल सिस्टम का आर्थिक बैलेंस रखना। अब वो सब सही में लगता है कि 47 लाख मौतें छुपा ली सरकार ने? सर 47 लाख छुपाई है, WHO कोई एक रोड पे चलता हुआ कोई संसाधन नहीं है, पूरा विश्व उसको मानता है और फॉलो करता है, और यही WHO की गाइडलाइंस है जो पूरे देश ने, यहाँ तक कि हमारे भारत देश ने भी उसी को फॉलो किया। क्योंकि आज उन्होंने उंगली आपके खिलाफ उठाई है तो आपको गलत नज़र आता है। ये तस्वीरें देखिए, जितने भी हैं लेकिन इनकी तारीफ करनी होगी। सोचिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसी समय रिपोर्ट किया था कि 50 लाख लोगों की मौत हुई है, 47 लाख लोगों की मौत की बात WHO कह रही है, जो सारे गाइडलाइंस बनाती थी कोरोना पर, कौन समय लॉकडाउन लगेगा, कौन सी दवाई लगेगी, कौन सा मास्क पहनना है। भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि हम WHO की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी भी बहुत कमी है। क्या कहेंगी बहन जी, सरकार से खुश नहीं है एकदम बिल्कुल आप? हम खुश नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा शर्मा है। शर्मा जी हो के मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? क्यों, उन्होंने शर्मा जी के लिए कुछ खास कर दिया क्या? अरे वो तो हिंदू हृदय सम्राट हैं। कोरोना में क्या शर्माओं की मौत नहीं हुई थी क्या? उनको ये सम्मान संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए क्या? शर्माओं के यहाँ पर क्या एक आदमी कमाने वाला नहीं था क्या, उसकी मृत्यु हुई थी? लेकिन धर्म भी तो बचाना है, धर्म के लिए 50 लाख की बलि भी ली जा सकती। ये धर्म भाई, हम बलि देने के लिए धर्म प्रचार तो नहीं कर सकते कि हम लोगों की बलि दे के। माता आजकल देवी देवताओं के पास जाओगे मंदिर में ना, तो वो भी बकरे की बलि नहीं दे रही है, तो इंसानों की बलि कैसे दे सकते हैं? आपको लगता है प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? लगता है मुझे 101% पता है वो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आपकी हंसी बता रही है कि आपको भी पता है कि वो झूठ बोलते हैं। सारे जिला टेक्स्ट लाइन में आप मुझे पता है कि आप मोदी जी का मजाक उड़वाने के लिए हमसे रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं मोदी जी का मजाक उड़वाऊंगा? आप खुद मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी के बारे में पूछ के, क्योंकि आपको खुद पता है कि वो झूठा है। कौन झूठा है? मोदी झूठा है, शाश्वत सत्य बोलते हैं, हिंदू हृदय सम्राट। तो यहाँ पर आप हिंदू का प्रचार करने आए हो, जो लोग मरे हैं कोरोना में, तो आप उनका प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो कि उनको भी कुछ मिलना चाहिए सम्मान? आप लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार। किसको? सरकार को। ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है। हम दुनिया में नाम खराब कर रही है देश का। किसका? देश का। कौन खराब कर रहा है? आप लोग कांग्रेस वाले। अच्छा जी, मीडिया भी कर रही है, मीडिया भी कर रही है देश का। चौथा स्तंभ हो आप देश का चौथा स्तंभ हो आप भी। अगर आप मतलब अपने आप को मतलब गिरवी रख दिया क्या आपने मोदी के सामने? मीडिया वाले झूठ का साथ दे रहे हैं, मोदी झूठ बोलता है और मीडिया उसका साथ दे रही है। मेरी बात सुनो, जो मरा है ना, जो 47 लाख जो मरे हैं वो हिंदू भी मरे। सबसे पहले जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था, आपने ये बोला था कि आप शर्मा होके यहाँ पर बैठे हो तो जातिवाद आप फैला रहे हो। आपको ये क्यों, मेरे घर से क्या लोग नहीं मरे क्या? उजागर करो, 47 लाख मौतें हुई है। WHO की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, ये कोई उठाई गिरी संस्था नहीं है। मोदी झूठ बोल रहे हैं। आप कांग्रेस छोटे थे ना, तब से WHO के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं, जब हम छोटे से थे। सुनो, मोदी मदारी है। इस देश को बनाने में क्या योगदान है मुझे बताइए मोदी का? ये सावरकर की सोच रखने वाले हैं, क्या योगदान है मुझे बताइए? कौन सी संस्था बनाई है? मैं आपको बता दूं, सुनो, आपके चैनल के माध्यम से मोदी ने इस देश को बेचने की सुपारी ली है, बिल्कुल बर्बाद करने की सुपारी ली है। हिंदुस्तान में रह के ओ माय गॉड क्यों बोल रहे हैं? वो जय भगवान क्यों नहीं बोल रहे? 47 लाख मौतें हो गई, उनपे ओ माय गॉड बोले WHO ने। पाकिस्तान में नहीं बताया 47 लाख मौतें मरी, बांग्लादेश में नहीं बताया, हिंदुस्तान से क्या मोदी जी से दुश्मनी है क्या? WHO राहुल गांधी जी का साठ गांठ है विदेशों से। मतलब ये तो अच्छी बात है, अगर विदेशों में राहुल गांधी जी की चलती है तो उनको प्रधानमंत्री बनाइए ना।
जिसकी सेटिंग है उसको बनाइए। WHO जो आंकड़े दे रहा है आप ये बताइए ये आंकड़े झूठे हैं या सच्चे हैं? आप लोग बताइए मीडिया क्या मानती है उसको, सच्चे हैं या झूठे हैं? या मोदी जी के साथ आप बताइए। पहले प्रेस का नंबर फ्रीडम में कितना था और आज के समय में आपका कौन सा नंबर आया बता दीजिए, आपका कौन सा आपको पहला नंबर दे दिया फ्रीडम टू स्पीक का बताइए, कौन सा नंबर नहीं कौन सा दिया? और पहले क्या था, पहले क्या था? जब नदियों में लाश बह रही थी जब तो मोदी जी ने नहीं कहा ओ माय गॉड, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओ माय गॉड कह रहे हैं। जो नदियों में लाश बह रही थी बाहर विदेश का टूर कर कर आता है और आते 50 रुपए बढ़ा देता है और फिर कहता है हिंदू राज, एक सेकंड, फिर कहता है हिंदू तो भैया जो नाम क्या है आप मुस्लिम लग रहे हैं। मेरा नाम जयप्रकाश है और सुनो मेरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो मैं हूँ, चारों धर्म आप ध्यान रखना, चारों धर्म का हूँ मैं हिंदू का नाम पे क्या यार भैया, इस देश को बनाने में क्या हिंदू का उतना योगदान है क्या? जितना योगदान हिंदू का है उतना योगदान मुस्लिम का भी है, उतना योगदान सिख और ईसाई का भी है, क्या है उसने क्या करा है? वो सावरकर आदमी है भैया। हिंदुओं को तो 4 लाख दुआ दो, पहले जो 47 लाख जितने हिंदू मरे उनमें कम से कम उनका हिंदू सब कह रहा है, मोदी जी जो कहेंगे वही 47 लाख जो मरे वो कट्टर हिंदू है, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी बात नहीं। खून का ग्रीन कलर का हमारा हिंदू का खून लाल कलर है क्या भैया? सबका खून लाल कलर है, मगर मैं आपको कह रहा सुनो, अगर आपने नहीं अगर आप आवाज नहीं उठाओगे ना सुनो, देश तो वैसे बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान पता किसका है? एक रुको, किसका है? मीडिया का है, चौथा स्तंभ मीडिया का, अंजनाम गोश्यप। आप ये कोई नाम बताओ 5 पत्रकार जो देश को बर्बाद कर रहा है। सुधीर चौधरी सबसे पहला नाम है, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी ये नंबर वन है जो सिर्फ धर्म के आधार पे। एक पत्रकार को तो आपकी सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई, अमन चोपड़ा को, अमन चोपड़ा को सरकार किसकी है? बीजेपी की, गिरफ्तार किसको करना चाहिए बीजेपी को पता है वो नहीं करेगी क्योंकि उनका आदमी है वो, आप समझो। मैं आपको कह रहा हूँ भैया, बार बार देश को बर्बाद करने की सुपारी ली है नरेंद्र मोदी ने, वो हिंदू हृदय सम्राट है के हिंदू 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 काय के एक बात बताऊं, वो दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, डंका बज रहा है, मौतों का डंका बज रहा है। ये देखिए सुनो, ये WHO की रिपोर्ट है, 47 लाख आप बताओ, आप मीडिया होकर सही रिपोर्ट नहीं बता सकते, आपके मुंह पे जिप लगी हुई है, क्या करोगे? सुनो कांग्रेस मीडिया वाला डरा हुआ है, सुनो कांग्रेस के समय कांग्रेस के समय ना मीडिया को बोलने का आजादी थी, आज तो बोल नहीं सकता भैया, उन्होंने कर दिया। आप मीडिया वाले होके भी हिंदू हृदय सम्राट हिंदू मुस्लिम की बात फैला रहे हैं, आप तो मीडिया होके ही हिंदू है, हम हिंदू है, अगर हमारे परिवार से कोई मरा है तो कम से कम 4 लाख मुआवजा तो दिलाओ उनको, जो देश में डंका बज रहा है 47 लाख मौतों का, WHO डंका बजा रही है, उस डंके का मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? क्या नाम है आपका? अर्जुन मारवा। अर्जुन, तो आपको भी लगता है कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? आपको क्या लगता है? मीडिया को तो लगता है सब सही कर रहे हैं। कैसे, क्या क्या अब लगता है, क्या ठीक काम कर रहे हैं? हिंदू हृदय सम्राट है, पहली चीज। आपको कभी महंगा कभी बाइक से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं? कार से चलता हूँ। कार में तेल कभी भरवाते हो? 1000 भी हो जाएगा तो भी भरवाऊंगा, मोदी जी का नाम लूंगा, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों भाई, ये कहाँ लिखा है हिंदू राष्ट्र बनाना है? हमारा मोहन भागवत जी का बात, हमारे संविधान, हमने संविधान, हमारा देश किस पे चल रहा है आज? संविधान पे, संविधान भी बदला जाए क्या? नया संसद होगा, नया संविधान होगा, यही संसद तो नया बना दोगे लेकिन संविधान नया नहीं बना पाओगे, लड़ेंगे आप लोग संविधान बचाने के लिए। ये देश जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है ना, ये देश उनका भी है, ये देश आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एक सिख हूँ, ये देश मेरा भी है। मोदी जी तो कह रहे हैं, सुनिए ना सरदार जी, अगर कोई मेरा दोस्त मुसलमान भी है ये देश उसका भी है। सरदार जी अभी प्रधानमंत्री गए थे लाल किला, गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देखिए मुगलों से लड़े थे, जो उससे पहले वो किसानों को आतंकवादी बोल दिया वो कौन बोलेगा? मतलब आप 100 झूठ बोल के 1 सच बोल दो, आप सबसे सच्चे आदमी हो गए, आप 100 गलत काम करो 1 अच्छा काम करो, आप तो सबसे अच्छे आदमी हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज को मानने वाले गुरु तेग बहादुर जी का था वो, गुरु गोविंद सिंह जी को भी मानते हैं, गुरु नानक साहब को भी मानते हैं। अच्छा, तो हम भी मानते हैं, हम भी यार हनुमान जी भी मानते हैं, राम जी भी मानते हैं, अल्लाह भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। किसी एक धर्म या एक जाति का हमारा भारत नहीं है, इसका नाम भारत तभी रखा गया है क्योंकि ये सबका है, यहाँ पे हर आज मैं चलिए इन युवाओं से बात करके थोड़ी उम्मीद तो बनती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ सेकुलर फैब्रिक जो है वो बचा हुआ है,
देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए बात कितने तक पहुंच पाती, लेकिन सोचिए कल्पना कीजिए कि टीवी अखबार ने इस देश को सिर्फ दो ही चीज़ें बता रखी है कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं और 47 लाख लोगों की मौत भी छुपाने में सरकार कामयाब हो रही है। फिलहाल पूरा विपक्ष चुप है, विपक्ष का कोई नेता नहीं बोल रहा है, ऐसे लगता है जैसे सबको लकवा मार गया है। तो विपक्ष खत्म है, मीडिया मौन है, मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, और 47 लाख मौत का आंकड़ा WHO ने कहा है, फिलहाल उसको लेकर भी देश में कोई सुगबुगाहट नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या आप सहमत हैं इन बातों से, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।